बोकारो स्टील से जमीन वापसी सहित अन्य मुद्दों को लेकर बोकारो स्थापित मंच अब आगे की लड़ाई लड़ेगी। इस बात की घोषणा सेक्टर 4 कांग्रेस कार्यालय में विस्थापित संगठनों की हुई। आवश्यक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बैठक में बोकारो विस्थापित मंच का मुख्य संरक्षक आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री उमाकांत रजक को बनाया गया। बैठक में बेरमो से भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी, जेएमएम जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी समेत सभी दल के नेता मौजूद रहे। बैठक में आज कमेटी की घोषणा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो ने बताया कि मंच 10 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापितों की लड़ाई शुरू करने वाली है, जिसमें जमीन वापसी, मुआवजा, बोकारो में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम सहित अन्य मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास मंच अपनी व्यथा को रखने का काम करेगा। वही मुख्य संरक्षक उमाकांत रजक ने बताया कि विस्थापितों का संगठन बोकारो में कोई नया संगठन नहीं है, पूर्व से कई संगठन यहाँ चल रहे हैं। सभी के सहयोग से एक मंच बनाया गया है, जिसमें सभी मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति बनाते हुए लड़ाई लड़ी जाएगी। ये विस्थापित का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है और उस पुराने मुद्दे को आज के समय में सभी विस्थापित संगठनों ने यह महसूस किया कि बोकारो मैनेजमेंट हो या जिला प्रशासन हो, उन मुद्दों पर, विस्थापितों के मुद्दे पर गंभीरता से पहल नहीं करके और हल का रास्ता नहीं निकाला गया। इसलिए सभी लोगों ने महसूस किया है कि सब विस्थापित गोलबंद होकर अपनी बातों को एक साथ एक आवाज़ में प्रबंधन के पास या जिला प्रशासन के पास हम सब लोग रखेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में बोकारो विस्थापित मंच का गठन हुआ है। मुख्य रूप से जमीन वापसी का मामला है, पंचायत 19 गांवों का पंचायत का मामला है, नियोजन का मामला है, तकनीकी नियोजन का मामला है, जो खाली पड़े जमीन है प्लांट के बोकारो के अंदर उसका भी हमको वापसी का है, स्टेडियम का भी, जो नया स्टेडियम का प्रस्ताव है उसका भी सवाल है। इसके साथ साथ मुआवजा भुगतान का मामला है और इसके साथ साथ पुनर्वास, जो अभी हमारे जो पुनर्वास हो गया, आज के दिन में 10 डिसमिल जमीन मिला, परिवार बढ़ गया, आज इतना तक कि खटिया बिछाने का जगह नहीं है। और हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि कैबिनेट के सभी लोग रहें और उनकी उपस्थिति में हम अपना दर्द सुनावें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।